अस्सलाम वालेकुम। आज मैं खानवा की लड़ाई के हिस्ट्रिकल बातें बताएंगे। चलो जानते हैं। हिंदुस्तान में तेजी से पैर पसारती मुगल फौज जब सन 1527 ईस्वी की फरवरी में बयाना पहुंची तो यहां उसे राणा सांगा और अफगानों के संयुक्त मोर्चे से हार कर वापस लौटना पड़ा। बाबर इस वक्त आगरा में बैठकर हुमायूं के वापस लौटने की राह देख रहा था। राणा सांगा ने मौके का फायदा उठाते हुए बाबर के खिलाफ जंग के लिए इसी समय को चुना। इस जंग में लोदी खानदान के कई पुराने वफादार अफगान उमरा भी राणा सांगा के साथ जा मिले। जब बाबर को इस मोर्चे की खबर मिली तो उसने राणा सांगा से मुकाबला करने के लिए नई तोपें तैयार करने का हुक्म दिया। जल्द ही बाबर के तोपची अली कुली ने एक ऐसी तोप तैयार कर ली जो 600 फीट तक गोला फेंका जा सकता थी। अब बाबर ने अली कुली से खुश होकर उसे तोहफे में हीरे से जड़ा खंजर और शाही लिबास दिया था। अब बाबर मुकाबले के लिए निकला तो उसके पास 50 तोपे और 20,000 के करीब फौजी लश्कर मौजूद था। लेकिन राणा सांगा के संयुक्त मोर्चे की खबर सुनकर बाबर के फौजियों का मनोबल गिरने लगा। अपने फौजियों को निराश होता देख बाबर ने उसी वक्त शराब के बर्तन तोड़ दिए और कभी शराब ना पीने की कसम खाई। मुगल फौज के पास शराब से लदे ऊँटों की कतारें मौजूद थी। बाबर ने शराब में नमक डलवाकर उसका सिरका बनवा दिया। इसके अलावा उसने कभी दाढ़ी न मुड़वाने का अहद किया और मुसलमानों से कर न लेने का भी ऐलान कर दिया। 16 मार्च सन 1527 में फतेहपुर सीकरी से कुछ दूरी पर खानवा में बाबर और राणा सांगा के बीच जोरदार टक्कर हुई। बाबर ने पानीपत वाली ही जंगी हिकमत अमली यहाँ भी इख्तियार की। इसी जंग में राजपूतों का पूरा मोर्चा ढह गया। बाबर की तोपों और बंदूकों के आगे राजपूती तेवर तीर और तलवार नहीं टिक सके। इस लड़ाई में राणा सांगा बुरी तरह से जख्मी हुए और उन्हें बेहसी की हालात में मैदान जंग से बाहर ले जाना पड़ा। मौका देखकर राणा सांगा का दाहिना हाथ कहा जाने वाला मेदनी राय भी अपनी राजधानी चेंद्री लौट आया और बाबर से दोबारा जंग की तैयारी शुरू कर दी। इस इलाके में पानी और खुराक की सप्लाई के बगैर जंग बहुत मुश्किल थी, इसलिए बाबर ने भी किसी का पीछा नहीं किया और आगरा वापस लौट गया। खानवा में राजपूतों को मुगलों से मिली इस हार के बाद तारीख में राजपूत फिर कभी इस पैमाने पर एकजुट नहीं हो पाए। राणा सांगा बाबर को दोबारा चुनौती देने की तैयारी में थे, लेकिन अगले ही साल 30 जनवरी 1528 को उन्हें जहर दे दिया गया जिसके कारण उनकी मौत हो गई। राणा सांगा के खत्म होते ही बाबर की राह की एक बड़ी रुकावट दूर हो गई। ऐसे हिस्ट्रिकल बातों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तेरी का